तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एआर एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक और मैं आप लोग से आज बहुत ही इंपॉर्टेंट शेयर करने आया हूं फ्रेंड्स, ताकि आपका जो नीट 2021 का प्रिपरेशन है और जितने भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो जेसीईसी भी हो या फिर केसीईटी एग्जाम हो, आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, उसमें आपकी हेल्प हो सके। जैसा कि फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि कुछ भी हो जाए आपके साथ, सभी कहते हैं फ्रेंड्स कि जो आप पीछे मुड़ के आपको कभी नहीं देखना चाहिए, इसलिए क्योंकि फ्रेंड्स जो बीत चुका है उसकी आप भरपाई तो नहीं कर सकते, जो बीत चुका है उसको आप तो ध्यान नहीं दे सकते ना, उसको आप फिर से सुधार नहीं सकते। एक कांच का अगर ग्लास हो फ्रेंड्स, अगर वो टूट जाता है तो दोबारा आप उसको जोड़ नहीं सकते। आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि फिर से वही गलती ना हो और आपका जो कांच का गिलास है वो फिर से ना गिर पाए, ठीक है? क्योंकि ये आप भी जानते हो कि अगर गिलास गिरता है तो टूट जाएगा, अगर हम गिलास गिरने ही ना दें तो टूटेगा ही नहीं, ठीक है? तो आपको फ्रेंड्स यहां पर यह ख्याल रखना है। जैसा कि फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि नीट 2021 होने वाली है, जैसा कि अभी आपको पता है कि दिसंबर मंथ चल रहा है और दिसंबर मंथ तक में जितने भी नीट के जो फॉर्म होते हैं वो अप्लाई होने स्टार्ट हो जाते हैं। लगभग 8 या फिर 9-10 से स्टार्ट हो जाते थे फ्रेंड्स, अभी पिछले साल तो इसी टाइप से हुआ था, बट इस साल अभी नीट का जो फॉर्म है वो अभी अप्लाई करने का यहाँ पे कोई भी नहीं दिख रहा है, ठीक है? बट हो सकता है कि हाँ फॉर्म अप्लाई हो जाए, ठीक है? तो जो भी हो, फॉर्म जिसका भी अप्लाई हो, चाहे वो केसीटी एग्जाम हो या फिर जेसीईसी भी झारखंड कंबाइंड एग्जाम हो या फिर अदर जितने भी एग्जाम हो, नीट का हो, जेई का हो, जितने भी एग्जाम हो फ्रेंड्स, वो अपने अपने समय अनुसार एग्जाम होंगे, ठीक है? क्योंकि नीट 2021 जैसी जो जेई एग्जाम है वो अपने समय अनुसार होंगे, ठीक है? हो सकता है कि एक दो मंथ आगे बढ़े। फ्रेंड्स, इसमें सबसे बड़ी बात आपको करना क्या है, कुछ गाइडलाइंस मैं दूंगा, आई होप आपको ये पसंद आएगा और शायद आप इसे पसंद करोगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है? जैसा कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको ये नहीं सोचना है कि मैंने पीछे क्या किया था, ठीक है? मैंने पीछे क्या किया, मैंने पीछे क्या गलती कर दी कि मेरा एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो पाया, यार मैं इतना सा सिर्फ पढ़ लेता ना तो पक्का मेरा सिलेक्शन कंफर्म था, अगर मैं ये कर लेता तो कंफर्म था, अगर मैं वो कर लेता तो पक्का कंफर्म था। आपको बिल्कुल यही नहीं सोचना है, ठीक है? फर्स्ट बात, आपको ये नहीं सोचना है। आपको अब क्या करना है, फ्यूचर में आपको किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे बनाना है, क्या करना है, आपको उस पर डिस्कस करना है, उस पर फोकस करना है, ठीक है? ये तो फर्स्ट बात हो गई मेरी, ठीक है? ये फर्स्ट बात हो गई मेरी। सेकंड बात है मेरी, वो आपसे मैं कह दूं फ्रेंड्स, अभी देखिए अभी के टाइम पे होता क्या है ना कि फ्रेंडशिप बहुत ज्यादा बनती है, बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप बनती है। जो जो बच्चे पढ़ते हैं वो भी आपके दोस्त बनेंगे, जो नहीं पढ़ते हैं वो भी आपके दोस्त बनेंगे। और सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स, कोई भी दोस्त आपका, देखिए मैं जानता हूं फ्रेंड्स है, मेरे भी फ्रेंड्स है, ठीक है? ऐसा नहीं है, मेरा भी फ्रेंड्स है, आपके भी फ्रेंड्स है, और ऐसा बहुत होता है कि आप लोग फ्रेंडशिप के चक्कर में कभी कभी पढ़ाई को भूल जाते हो। मैं बहुत जन को जानता हूं ऐसे, जो फ्रेंडशिप के चक्कर में पढ़ाई को भूल जाते हैं। वो करते क्या है कि मेरा दोस्त नहीं पढ़ रहा है, आ चलो ना कहीं घूम के आते हैं, यार मन नहीं लग रहा, चलो घूम के आते हैं। ऐसे में क्या होता है कि आप वहां पर डाइवर्ट हो जाते हो, आप सोचते क्या हो, चलो ना कोई नहीं, हम रात को आएंगे, रात को पढ़ लेंगे, अरे यार कोई नहीं, आज दिन खत्म हो गया ना, कल सुबह होगा, कल से फिर से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। मगर यहाँ होता क्या है, जो आपका शेड्यूल है वो यहाँ पर बिगड़ जाता है। अगर आप सोच रहे हो कि हम 4 बजे से लेकर 8 बजे तक पढ़ने बैठेंगे, अगर उस टाइम आप बाहर चले जाते हो तो यहाँ पर आपका शेड्यूल यहाँ पर गड़बड़ हो जाता है। और एक बार शेड्यूल ब्रेक होने के बाद फ्रेंड्स, आप सोचते रह जाओगे, दिन खत्म होते जाएगा। इसलिए आपको अभी ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है पढ़ाई पे, कोई फ्रेंडशिप नहीं, किसी से कोई बातचीत नहीं, और कुछ भी आपको नहीं करना है, बस आपको करनी है पढ़ाई। ये मेरी दूसरी बात हो गई, पहली बात मैंने आपको बताया, सेकंड बात मैंने बताया, और थर्ड बात मैं आपसे बता दूं, थर्ड बात यही है फ्रेंड्स, आप जो सोचते हैं ना, देखते हैं कि मेरा दोस्त अभी मेडिकल कॉलेज में है, आप उससे बात बिल्कुल ना करें, ठीक है? उसने क्या किया, उसने क्या तरकीब लगाई, उसने क्या पढ़ा, उसने कौन सा बुक यूज किया, क्या किया, आप वो सब पे ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि फ्रेंड्स वो क्या करता है वो उसके लिए काम कर जाएगा, आप क्या करते हो वो आपके लिए फायदेमंद होगा, ठीक है? जरूरी नहीं है कि वो जिस तरह से एग्जाम पास किया है उस तरह से आप भी क्वालिफाई कर जाओगे, ऐसा बिल्कुल हरगिज नहीं है। उसके साथ जो सिचुएशन थी वो इस तरह से क्वालिफाई कर गया, बट उसी का जैसा सिचुएशन आपके साथ हो जाए ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ठीक है? अगर उसके साथ ऐसा होता है तो आपके साथ ऐसा नहीं होगा। इसलिए आपको किसी का भी रूटीन फॉलो नहीं करना है। मैं ये नहीं कहता कि हाँ वो लड़का बहुत टॉपर है, उसका वीडियो देखो और उसी जैसा पूरा रूटीन फॉलो कर लो। अभी आप YouTube में बहुत सारा देखते होंगे, ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर लीजिए, ये फॉलो कर लीजिए, ये फॉलो कर लीजिए, मैंने ये किया था, मैं इसलिए टॉपर बना, मैं एम्स टॉपर बना, मैं ये टॉपर बना। आप किसी की भी बात नहीं सुनिए, सबसे पहली बात, वो आप अपना शेड्यूल खुद बनाओगे, क्योंकि पढ़ना आपको है तो अपना शेड्यूल आप खुद बनाओ, ठीक है? अगर आपका नीट क्वालिफाई हो जाता है ना सर, तो यही आपका स्ट्रेटेजी सबको आप दोगे, ठीक है? इसलिए किसी का स्ट्रेटेजी कॉपी नहीं करना है, आपको किस तरह से पढ़ना है, क्या करना है, वो आपको समझना होगा, ठीक है?
चौथी बात मैं कर दूं, आपको अभी अच्छे से नींद लेनी है। ये नहीं कि मेरा पढ़ाई नहीं हो पाया है, मात्र 4 मंथ बाकी है, अब तो मैं 2 घंटा सोऊंगा, 3 घंटा सोऊंगा, अब मैं पढ़ते रहूंगा। तो सर ऐसा नहीं करना है, आपको पढ़ना है, एक्सरसाइज भी करनी है और थोड़ा मेडिटेशन भी करना है, ताकि आपका जो माइंड है वो थोड़ा शांत हो जाए और डाइवर्ट ना हो अभी के टाइम पे। क्योंकि अगर अभी डाइवर्ट होता है, और मैं जानता हूं फ्रेंड्स बहुत सारा ऐसा आप लोग के पास पॉइंट है जिससे आपका माइंड डाइवर्ट हो सकता है, मैं समझता हूं, मैं भी उसी एज में हूं तो मुझे पता है कि कहां कहां माइंड डाइवर्ट होता है, ठीक है। तो वहां पर आपको अभी नहीं जाना है, उसके बारे में नहीं सोचना है, मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। और बातचीत ज्यादा से ज्यादा हो सके तो फ्रेंड्स बातचीत अभी कम कीजिए, फैमिली से बात कीजिए, बस मैं यही कहूंगा फैमिली से बात कीजिए, बाकी बाहरी लोगों से अभी बातचीत थोड़ा कम कर दीजिए, ठीक है। आप अपना टेस्ट दीजिए, और सबसे बड़ी बात मैं फ्रेंड्स आपसे कह दूं, कभी भी ये मत सोचिए आप कि मेरा टेस्ट में प्रोग्रेस अच्छा नहीं है तो मेरा नीट में क्या अच्छा होगा। फ्रेंड देखिए, जो आपका टेस्ट है आप जिसके लिए पढ़ रहे हो, अगर आपका टेस्ट में मार्क्स सही नहीं आ रहा है तो निराश होने की कोई बात नहीं है। इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है कि आपने टेस्ट में मार्क्स खराब लाया है तो आपका नीट क्वालिफाई नहीं होगा, ये कहीं नहीं लिखा है। हो सकता है कि यहां आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, वहां आपका अच्छा मार्क्स आ जाए, या फिर यहां अच्छा मार्क्स आ रहा है तो वहां पर अच्छे मार्क्स आ जाए, तो फ्रेंड दोनों यहां चांसेस हैं, इसलिए आप इस पर फोकस नहीं करेंगे। जितना मार्क्स आ रहा है आप पढ़िए, आप अच्छे से पढ़िए, मैं ये नहीं कहता कि छोड़ दो टेस्ट को, टेस्ट दीजिए, पढ़िए, कहां गलती कर रहे हैं आप वो देखिए, ठीक है। और फ्रेंड्स मैं एक लास्ट आपसे एक और बात कहूंगा कि सबसे पहली बात, तुक्का मारने का बिल्कुल भी विचार माइंड में मत लाइएगा कि हाँ मैं ऑप्शन बी का, सी का, डी का कुछ भी मार दूंगा, एक से लेकर पूरा ए मार दूंगा, बी मार दूंगा, सी मार दूंगा, डी मार दूंगा, बिल्कुल ऐसे मत कीजिएगा, क्योंकि वैसे में आपका मार्क्स कटेगा। तुक्का नहीं फ्रेंड्स, अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनाइए, ठीक है, तुक्का नहीं मारना है, स्ट्रेटेजी आप लोग खुद बनाइएगा, ठीक है। ये कुछ गाइडलाइंस थी, आई होप आपको पसंद आया होगा, आप लोग समझ पाए होंगे, क्योंकि मैंने आप ही के लैंग्वेज में और आप ही के अंदाज में हर बात कहा है, जो आप सुनना चाहते हैं मैं वही अंदाज में कहता हूं आप लोग से। ये नहीं कि मुझे बहुत अच्छे से इंग्लिश आती है, मैं 10 लाइन इंग्लिश बोल के आप लोगों को अच्छे से पूरा मोटिवेट कर दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। जो लैंग्वेज में आप लोग बात करते हो वही लैंग्वेज में मैं भी कहता हूं, ठीक है। और अगर कुछ गलत कहता हूं तो फ्रेंड्स मैं सॉरी कहता हूं आप लोग से, मैं इसी टाइप से टॉक करता हूं, ठीक है। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल प्रेस कर लीजिएगा, और हाँ हमारे चैनल पे फ्रेंड्स अब लाइव स्ट्रीमिंग भी होगी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, और लाइव स्ट्रीमिंग पे जरूर ज्वाइन कीजिएगा आप लोग। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और हाँ हमारे चैनल को जरूर लाइक कर लीजिएगा।